now. हेलो एवरीवन, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि नर्सरी से जब हम प्लांट्स को लेकर आते हैं तो उसके पॉलीबैग बैग को जो हम सेफली अगर निकाल लेते, क्योंकि क्या करते हैं हम ना कि बस जल्दी जल्दी हम पॉलीबैग को फाड़ते हैं और प्लांट को जल्दी से हम अपने पॉट में लगा लेते हैं। लेकिन अगर हम उसी पॉलीबैग को बिल्कुल अच्छे से रिमूव करें धीरे धीरे, और वो जो पॉलीबैग है उसको अगर हम सिक्योर करके रख लें, तो उसको हम अपने बहुत सारे प्लांट्स लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम पॉली बैग में भी अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि अब इस समय अक्टूबर में हम विंटर्स के बहुत सारे प्लांट्स लगाने वाले, और विंटर के जो छोटे छोटे से प्लांट्स आते हैं ना, वो इसी तरह के पॉली बैग्स में आते, तो आप क्या करिएगा कि प्लांट्स को बिल्कुल सेफली रिमूव करिएगा और इस तरह के सारे पॉली बैग्स को कलेक्ट कर लीजिएगा, और आपको इस पॉली बैग में फिर से आपको अपने प्लांट्स की कटिंग लगा देनी है। ये जो पॉली बैग्स होते हैं ना, आप उसमें देखेंगे बहुत अच्छे से ड्रेनेज होल्स रहते हैं। आप देखिए, जब पॉली बैग में आप कोई कटिंग लगाते हैं ना, तो वो उसके सक्सेस रेट जो रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। कि पॉली बैग में जब हम कटिंग्स को लगाते हैं तब बहुत ही हमारे जो कटिंग्स होती है ना, वो बहुत अच्छे से ग्रो होती है। तो जब आप नर्सरी से प्लांट को लाते हैं तो इसी तरह से पॉली बैग को बिल्कुल सेफली रिमूव करिए। रिमूव करने के बाद उसमें अच्छे से सॉइल फिल कर दीजिए। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि मैं कोलियस प्लांट की जो कटिंग्स है वो इसमें लगा दूँगी। विंटर सीजन के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हमें टाइम टाइम पे उनकी पिंचिंग करनी पड़ती है। पिंचिंग करने से जो छोटी छोटी सी कटिंग्स निकलती है ना, उन्हें भी हम इस तरह के पॉली बैग्स में ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। हम कितने पॉट्स खरीदेंगे और कितने प्लांट्स बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉट्स तो हम नहीं खरीद सकते ना, इसलिए इस तरह के जो पॉली बैग्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और इनसे हम इस तरह से कटिंग लगा लगा के बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। आप इस तरह की जो कटिंग्स होती हैं उनको फुल सनलाइट में भी पॉली बैग में रख सकते हैं, या फिर लो लाइट जहाँ भी आप रखना चाहें वहाँ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम जो पॉली बैग है उसका यूज़ भी अपने गार्डन में कर सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स थी, क्योंकि हम प्लांट्स में जब प्लांट्स को निकालते हैं ना, तो हम जो पॉली बैग होता है उसको फाड़ के फेंक देते हैं। तो जहाँ तक हो सके कि अगर जो रूट्स है वो बाहर पॉली बैग के नहीं निकली है, बिल्कुल सेफली रिमूव करने का कोशिश करें, कि जिससे कि पॉली बैग्स भी हमारे पास सेफ हो जाए और हम पॉली बैग्स में भी प्लांट्स को, बहुत सारे प्लांट्स को बना सके। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम अपने जो पॉली बैग्स है उसको भी अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।